टेंथ क्लास नेक्स्ट देखो हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है उसमें, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। अब ये हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इन चारों पॉइंटों को सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे एक्सिस के ऊपर, ये कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, इन चारों को हम प्लॉट करेंगे, देखेंगे पॉइंट कहाँ कहाँ आते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये जो बन रहा है पिक्चर, ये चारों पॉइंट जो पिक्चर बनाएंगे ये चतुर्भुज है या नहीं, और अगर है तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम लेते हैं -1 और -2, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, ये है आपका -1 और -2, ये है -2 नीचे, तो ये आ गया पॉइंट -1 -2। 1 और 0, ये है 1 y 0 है, तो इसी के ऊपर ही पॉइंट आएगा 1 0। फिर अगला पॉइंट है -1 2 -1, ये है -1 और 2 ऊपर है, प्लस का 2 ऊपर है, तो ये आ गया -1 और 2। -3, ये है -3 और 0, इस y 0 होगा x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे आ गया -3 0, तो ये आ गया पॉइंट 1 2 3 4, ये चारों पॉइंटों को मिला देना आपस में, तो ये बन गया आपका चतुर्भुज। तो बिंदुओं द्वारा बनने वाली आकृति क्या है, चतुर्भुज है। अब हमने देखना है कि ये किस तरह का चतुर्भुज है, तो उसके लिए हम लेंथ निकालेंगे, हर एक लेंथ निकालेंगे, ए बी भी निकालेंगे, बी सी भी निकालेंगे, सी डी और डी ए, ये चारों लेंथें हम निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी निकाला हमने, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ इस पे। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर, 0 - -2 का स्क्वायर, -+ हो गया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 + 4 8, तो 8 कितना होता है, 2√2, तो ए बी हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, 2√2। अब हम निकालेंगे बी सी, बी सी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, बी सी पे भी यही आ जाएगा, 1 - 1 - 1 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर, 1 - 1 - 1 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर, 4 + 4 8, 2√2 आ गया। वैसे हम सी डी का निकालेंगे, उसमें भी कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 2√2। वैसे हम डी ए निकालेंगे, तो डी ए में भी 2 का स्क्वायर 4 + 4 8, 2√2। तो हमने सारे डिस्टेंस निकाल लिए, डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है ए बी पे, बी सी पे, सी डी पे और डी ए पे, चारों लेंथें फाइंड आउट करनी है। तो हमने चारों लेंथें जब फाइंड आउट की तो हमें ये पता लगा कि ऑल द डिस्टेंसेज आर इक्वल टू 2√2। तो अगर सारे डिस्टेंसेज इक्वल हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो गिवन चतुर्भुज है वो क्या है, एक स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो हिंदी में उसको क्या कहते हैं, वर्ग है। तो दिया गया चतुर्भुज क्या है, वर्ग है।